तो देखिए एग्जिट पोल में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं, यानी कि मोदी सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद विपक्ष का बुरा हाल है। एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार की अनुमान के बाद बीजेपी और सहयोगी दलों के हौसले बुलंद है, तो विपक्ष 4 जून को फाइनल नतीजे की बात दोहरा रहा है। देखिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कर्मयोगी जो 140 करोड़ जनता के लिए 24 आवर सेवा के भाव से काम करते रहे और जो कहे सो उन्होंने किया, मोदी जी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है और उस विश्वास पर लोगों ने अपना बटन दबाकर कमल को खिला दिया और अब चौंकाने वाला चौका उनको लगने जा रहा है, बेहोश हो जाएंगे, उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी समाप्त तो होने जा रही है। ये जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है ये एग्जैक्ट पोल नहीं है और 4 जून को जब एग्जैक्ट पोल आएगा तो उसमें इंडिया गठबंधन को 295 से ज़्यादा सीटें 295 प्लस सीटें आएंगी, ये हम आश्वस्त करते हैं। देश के अंदर तैयारी चल रही है, 4 जून को 400 के पार जाएंगे और हर जगह कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां 4 क्विंटल लड्डू नहीं बटेगा। पूरे देश के अंदर माहौल बन गया है कि आ रहे हैं मोदी, खुशी की लहर दौड़ गई है और जो विरोधी बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे उन सब का दावा खोखला निकलेगा। एनडीए की बढ़त के बाद चुनाव आयोग पर और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाएगा, हम सही साबित हुए। बड़े बड़े दावे 295 के या इससे अधिक के किए जा रहे थे, अब सब ईवीएम में दोष निकाला जा रहा है। बिहार की, झारखंड की और समूचे देश के एनडीए की जीत पर बहुत बहुत बधाई। एग्जिट का इंतजार करना, ये तो पर्चा लीक पहले ही था, 5-7 दिन पहले ही से लोग चर्चा कर रहे थे कि एग्जिट पोल इस तरह से लोग परोसेंगे। देश की जनता ने निर्णय लिया है, इंडिया साइनिंग की हाल होगी, माफ करना, लोगों ने वोट दिया है तेजस्वी जी के संकल्प पर, इंडिया गठबंधन के संकल्प पर। तो एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल की अनुमान से विपक्ष का बुरा हाल है। विपक्ष का कहना है कि अनुमान और परिणाम में फर्क होता है, तो बीजेपी का कहना है कि बिहार में एनडीए बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। परिणाम में फर्क होता है, अनुमान काल्पनिक होता है जबकि परिणाम तथ्यों एवं फैक्ट सत्य पर आधारित होता है। 4 जून को परिणाम चौंकाने वाले आ रहे हैं। ये जो एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल मुख्य रूप से प्रबंधित एवं अभिलेखित है। देखिए एग्जिट पोल चाहे जो भी आए, लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, बिहार की जनता ने तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर विश्वास किया, देश की जनता ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर विश्वास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस भाषा का इस्तेमाल किए और जिस तरह से उनकी बेचैनी और बौखलाहट देखने को मिली, यह स्पष्ट करता है कि इंडिया गठबंधन इस बार बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बिहार में एग्जिट पोल ने भाजपा के दावों पर मुहर लगा दी, देश में एक बार फिर प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही है। बिहार में महागठबंधन के सारे दावे फुस्सो हो गए। एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए गठबंधन को 6-9 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अलग है और यह तय है कि बिहार में एनडीए गठबंधन शून्य पर आउट होगा। लालू जी की दोनों बेटियों की करारी हार तय है। हार के बाद तेजस्वी को अपने मित्र के साथ मछली और मटन पार्टी का भरपूर अवसर मिलेगा। इस लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 400 पार का जो लक्ष्य रखा था, हम उस लक्ष्य के करीब पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। विभिन्न मीडिया चैनलों पर दिखाए जा रहे एग्जिट पोल में एनडीए को पूर्ण बहुमत के साथ 400 पार भी दिखाया जा रहा है। यह मेरा अनुमान और एनडीए नेताओं के जो कार्यशैली रही है उसके मुताबिक बिल्कुल सही है। वही बेगूसराय से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा 4 तारीख को सब कुछ साफ हो जाएगा और विपक्ष की सारी खटाखट और फटाफट धरी की धरी रह जाएगी। साथ ही एनडीए की जीत का दावा करते हुए कहा आज सभी एजेंसियों ने एनडीए गठबंधन को 400 के आसपास की बढ़त बताई है और यह सिर्फ मोदी की गारंटी का ही परिणाम है।
तो देखिए गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा है कि सारी खटाखट और फटाफट जो है वो धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि विपक्ष राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, लगातार फटाफट खटाखट का जिक्र करते रहे और इस पर बड़ा निशाना गिरिराज सिंह ने साधा है। फटाफट को खटाखट भेज दिया, जो लोग कहते थे खटाखट फटाफट, सब खटाखट फटाफट सबकी आवाजें अब बंद हो गई। जो कहते थे मैं लिख रहा हूं मोदी नहीं रहेंगे 4 तारीख को, मोदी से नफरत, देश के विकास को नकारना, देश की विश्वसनीयता को नकारना, ये दिखाता है। और मैं समझता हूं कि अब रिजल्ट 4 तारीख को आने वाली है, सारे सर्वे यही है 400 के पार। तो एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिल रहा है, वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। देश में इंडिया अलायंस को 295 से ज्यादा सीट आएगी, जबकि बिहार में कम से कम 25 सीट पर जीत का उन्होंने दावा किया है। तेजस्वी ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई के दर्द के आगे मेरा कमर का दर्द कुछ भी नहीं है और वे लड़ते रहेंगे। आपने धुआंधार चुनाव प्रचार किया, हेल्थ इश्यूज थे फिर भी आप डटे रहे, क्या नंबर्स है? जो बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई का जो दर्द है, उस दर्द के आगे ये कुछ नहीं है। और जब संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र खत्म करने की बात आ गई तो तेजस्वी बैठने वाला नहीं है, लड़ाई लड़ेगा। और जो जनता का जो मिजाज है, हम शुरू से कहते रहे बिहार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। जनता का जो मिजाज था उसको हम लोगों ने जाना और 295 मिनिमम इंडिया अलायंस रहेगी। लेकिन बिहार से सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं इंडिया को, कितना नंबर आप देते हैं तेजस्वी? मत से बिहार में जो है 20-25 सीटों से कम हम नहीं आ रहे। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद तेजस्वी यादव, कैमरा पर्सन निजाम के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने विरोधियों पर निशाना साधा है। एग्जिट पोल को लेकर मंत्री ने कहा कि विपक्ष का यही काम है, एग्जिट पोल एग्जिट पोल नहीं होता, तो ये चैनल वाले भी कह रहे हैं अनुमान हमेशा सच्चाई में बदलता है। विपक्ष 4 जून को ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेगी। अरे भाई, विपक्ष का तो यही काम है, अब हार रहे हैं तो कर रहे हैं कि एग्जिट पोल खराब है। सही बात है कि एग्जिट पोल नहीं है, वो तो टीवी वाला भी कह रहा है, चैनल वाला भी कह रहा है, एक अनुमान है। लेकिन अनुमान हमेशा हम लोग देखते आए हैं, अनुमान सच्चाई में बदलता है, और इस बार भी 400 के पार होगा और जो एग्जिट पोल आया है वो सही साबित होगा। और अभी नहीं, अभी तो जब रिजल्ट आएगा 4 तारीख को तो विपक्ष आप कहेगा कि ईवीएम खराब है।